हेलो वेलकम सो माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सिटी चैनल। तो आज हम फिर स्पोकन इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे लेकर आएंगे 31 क्लास, मतलब इसके पिछली क्लास बहुत हो चुकी है 30 क्लास। इसके पिछली वीडियो जो क्लास है ना उसको देखिए, बहुत ही अच्छे उसमें मैंने इंग्लिश को रीडिंग करना सिखाया, कैसे इंग्लिश को रीड किया जाए, बड़े बड़े कैरेक्टर बड़े बड़े मतलब शब्द को कैसे पढ़ा जाए तोड़ तोड़ करके, या कैसे पढ़ा जाए उसको आसान तरीके से मैंने बताया है। उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, उसमें आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आज जो ये वीडियो है इसमें हम बताएंगे फेजेज। मैंने जो स्टार्ट किया था 50 फेजेज मैंने लिया है, जिसमें से मैंने आज 30 फेजेज खत्म हो जाएगा। तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, इसे 5 वीडियो में बनाऊंगा जिसमें 10-10 फेजेज ले रहा हूँ, जो कि आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही आपका स्पोकन इंग्लिश में यूज होगा। अभी आपको बताया कैसे पता चलेगा कि ये यूज होता है, सामने देखेंगे खुद ही पता चल जाएगा। मैं यूज करूँगा कुछ सेंटेंस में यूज करूँगा और आपको पता चलेगा कि कैसे ये चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अपना जो प्लेलिस्ट है नीचे चेक कर लेना, जैसे भी आपको चाहिए सभी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, 900 वीडियो पड़ी हुई हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने वीडियो हैं आपके लायक। ठीक है, एक मेरा चैनल है स्पोकन इंग्लिश, सॉरी मोबाइल से रिलेटेड जितने भी वीडियो मैं उस पर अब डालने लगा हूँ, वो मेरे चैनल का नाम है मास्टर मोबाइल टेक, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। देखिए यहाँ पर है पहले बिना किसी तैयारी के, मतलब ऑफ हैंड, ऑफ हैंड। अब बिना किसी तैयारी के इसका हिंदी क्या होता है, बिना किसी तैयारी के ऑफ हैंड। ऑफ हैंड यूज करेंगे मैं कैसे, बिना किसी तैयारी के। जैसे बिना मैं इंटरव्यू देने बिना किसी तैयारी के चला गया, इंटरव्यू देने बिना किसी तैयारी के चला गया, तो बिना किसी तैयारी के लिए अभी इतना बड़ा वो नहीं करना है कि विदाउट एनी रेडी एनी प्रिपरेशन, इस तरीके से नहीं यूज करना है। हमें यूज करना है कि विदाउट एनी प्रिपरेशन आई मैं मतलब गो चला गया, या मैं गया बेंट, कुछ भी यूज करते हैं ट्रांसलेशन में, ऐसा कुछ नहीं, विदाउट वगैरह सारी चीज़ें, बस यहाँ पर आपको यही यूज कर देना है, हो जाएगा काम। ऑफ हैंड यूज कर देना है, जैसे आपका मैंने बोला कि मैं इंटरव्यू बिना किसी तैयारी के देने चला गया। ठीक है, तो इस तरीके का ट्रांसलेशन करेंगे, मैं इंटरव्यू में बिना किसी तैयारी के गया, मैं इंटरव्यू में बिना किसी तैयारी के गया। ठीक, ये हो गया। तो इसका इंग्लिश हम यूज करेंगे, दूसरे कलर से I went for interview, क्या I went for interview मतलब मैं इंटरव्यू देने गया, क्या यहाँ पर ऑफ हैंड बिना किसी तैयारी के, बिना किसी, तो ऑफ हैंड डायरेक्ट लगा देंगे, काम ख़त्म हो गया। बस इतना ही करना है आपको, इतना ही करना है, ऐसे वो विदाउट एनी प्रिपरेशन ये सब नहीं करना है। बादलों से भरा हुआ, बादलों से भरा हुआ आप इसका यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस में, बादलों से भरा हुआ, तो इस तरीके का कैसे यूज करेंगे, जैसे आपको आसमान बादलों से घिरा हुआ दिखाई दिया, आसमान बादलों से भरा हुआ दिखाई दिया, इस तरीके से कुछ यूज करेंगे जब। तो जैसे आपका हिंदी है आसमान बादलों से घिरा हुआ या भरा हुआ है। ठीक, आसमान बादलों से घिरा हुआ है या भरा हुआ है, एक ही चीज़ है वो। तो इसके लिए हम यूज करेंगे द स्काई इज, मतलब आसमान। ठीक है, द स्काई इज ओवरकास्ट, बादलों से भरा हुआ, इज ओवरकास्ट हो गया। इतनी ही इंग्लिश हुई, बताइए द स्काई इज ओवरकास्ट, आसमान बादलों से घिरा हुआ, आसमान बादलों से भरा हुआ, आसमान में से हुआ है, ये सारी चीज़ें करना है इसमें। ये है अगला साई ऑफ रिलीफ, साई ऑफ रिलीफ में आपका मतलब होता है चैन की सांस लेना, चैन की सांस लेना, चैन की सांस लेना, इस तरीके से यूज करेंगे। तो चैन की सांस लेने के लिए कोई हम एग्जांपल लेते हैं अगर, तो मैंने चैन की सांस ली, या मैं चैन की सांस ली, इस तरीके से मैंने चैन की
सांस ली, ये हो गया। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे, आई साइड, साइड ऑफ रिलीफ, चैन की सांस लेना, तो साइड हो गया इसलिए क्योंकि चैन की सांस ली इसमें लिखा है, ली तो पास्ट हो मतलब आगे बढ़ रहे हैं ना, आई साइड ऑफ रिलीफ, बस हो गया। फिर फॉन्डॉग, फॉन्डॉग मतलब होता है शौकीन, ये बहुत जगह यूज होता है, आप इसको स्टोरी में ही पढ़े होंगे, अपने प्रोज में, पोएट्री में, कहीं पर भी फॉन्डॉग सुनेंगे बहुत ही, ठीक है। फॉन्डॉग, फॉन्डॉग मतलब शौकीन, ठीक है, बहुत इसका आपका वो मिल जाएगा। मैं बाइक का शौकीन हूँ, मैं कार का शौकीन, मैं कारों का शौकीन हूँ, मैं कारों का शौकीन हूँ, ठीक। इसका ट्रांसलेशन करेंगे, आई फॉन्ड ऑफ कार्स, आई फॉन्ड ऑफ कार्स, नहीं आई एम फॉन्ड ऑफ कार्स, ये हो गया। उसके बाद है अननेसेसरीली, अननेसेसरीली मतलब होता है जिसे नेसेसरी में आवश्यक होता है, जरूरी होता है, तो इसमें है अननेसेसरी मतलब बिना जरूरी वाला चीज़, मतलब इसको बोलते हैं फालतू, बेवजह के, नेसेसरीली मतलब आवश्यक चीज़ें, ठीक है, इस तरीके से अननेसेसरीली तो इसका मतलब फालतू चीज़ें, बेवजह वाली चीज़ें। इसका हम यूज करेंगे, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका तुम फालतू में यहाँ बैठे हो, तुम फालतू में यहाँ बैठे हो, तुम फालतू में यहाँ बैठे हो, इसका ट्रांसलेशन करते हैं, तुम फालतू में यहाँ बैठे हो, ठीक है। तो यू आर अननेसेसरीली अननेसेसरली, यू आर अननेसेसरली, तुम फालतू में यहाँ बैठे हो, अननेसेसरली सिटिंग हियर, ये ट्रांसलेशन आप यूज कब करने, ये सब बोलेंगे कब, जब थोड़ा सा सीख लेंगे इंग्लिश बोलना, ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेट करना नहीं चाहिए तो इंग्लिश की बैच ज्वाइन कर लीजिए, स्पोकन इंग्लिश बैच पूरा शुरू से ज्वाइन करिए, तो आपको इसमें नाउन एडजेक्टिव ये सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, अभी बहुत चीज़ें बाकी भी हैं, अभी क्रम से चल रहा है, 60-70 दिन का बैच चलेगा आपको आ जाएगा, अभी तो आपका 31वां 32वां दिन चल रहा है बस। उसके बाद है कि आपका नोली, क्या है नोली, जिसको आप समझते हैं नोविंगली, नोविंगली मतलब जानना, अब नो मैंने जानना होता है, नोविंगली, तो नोविंगली नोवली चेट बोलते हैं, ठीक। नोविंगली मतलब होता है जान कर ऐसी चीज़ें, अननोविंगली मतलब होता है न जान करके, मतलब उस तरीके से दोनों चीज़ें होते हैं, अननोविंगली हो गया और नोविंगली हो गया, दोनों होती हैं, ध्यान दीजिएगा। अननोविंगली का मतलब होता है मतलब अनजाने में, और नोविंगली का मतलब होता है जानबूझकर, इस तरीके से जानबूझकर के कोई चीज़ें हम करते हैं, जैसे उसने जानबूझकर मेरा दिल दुखाया, उसने जानबूझकर मेरा दिल दुखाया, ये हो गया, उसने जानबूझकर मेरा दिल दुखाया, ही हर्ट मी नोइंगली, बस हो गया, ही हर्ट मी नोइंगली, तो ये हो गया। रिमाइंड, रिमाइंड मैंने होता है याद दिलाना, इस तरीके से, तो इसके लिए जो हमारा तुम मुझे उसकी या
राम की याद दिलाते हैं। तुम मुझे राम की याद दिलाते हो, इसका ट्रांसलेशन करेंगे तुम मुझे राम की याद दिलाते हैं। यू रिमाइंड मी, मतलब तुम मुझे याद दिलाते हो, तुम मुझे राम की याद दिलाते हो, तो रिमाइंड मी ऑफ राम। उसके बाद है लापरवाही, क्या है लापरवाही, तो लापरवाही के लिए हम क्या लिखेंगे, तुम्हें लापरवाही की सजा मिलेगी, तुम्हें लापरवाही की सजा मिलेगी, तुम्हें लापरवाही की सजा मिलेगी, तो इसके लिए हम करेंगे मिलेगी, यू विल बी पनिश्ड, पनिशमेंट, यू विल बी पनिशमेंट, नहीं पनिश्ड हो जाएगा क्योंकि पनिशमेंट हो जाता है सजा, पनिश्ड सजा मिलेगी किसके, फॉर नेग्लिजेंस, ठीक ये हो गया। उसके बाद पूरी तरह से, इसका मतलब होता है ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर एक साथ ही होता है, ए डबल एल नहीं होता, ए एल ही होता है, ऑल टुगेदर इसका मतलब होता है पूरी तरह से, पूरी तरह से, ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑल टुगेदर पूरी तरह से, पुट आउट बुझाना, जिसे आग बुझाना, ये तमाम चीज़ें बुझाना होती है, तो बुझाना के लिए भी तमाम चीज़ें यूज की जाती हैं, बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे इन दोनों को, पूरी तरह से ऑल टुगेदर का आप यूज करेंगे। हम पूरी तरह से अलग हैं, हम पूरी तरह से अलग हैं, हम पूरी तरह से अलग हैं, वी आर डिफरेंट, अंतर हैं, अलग हैं, डिफरेंट हैं, किससे अलग हैं, ये चीज़ करना है, ऑल टुगेदर मतलब पूरी तरह से अलग हैं। बुझाना क्या हो गया, आग बुझा दो, आग बुझा दो छोटा मात्रा, ये हो गया आग बुझा दो, इसके लिए आपको पुट आउट द फायर, ये हो गया। इस तरीके से ये था आपका कुछ फेजेज, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो बहुत ही क्या लकी होंगे, क्योंकि इसको आप यूज करेंगे जैसे ही अपने अपने बोलचाल में, सामान्य बोलचाल में और रीडिंग राइटिंग या हर जगह आप यूज करेंगे, तो धीरे धीरे और स्टोरी में तो यूज ही होगा, अपने आप ही बुक में मिलेगा, तो ऐसे ही चीज़ें हैं। पिछली वीडियो जरूर देख लीजिए, आपको स्पोकन इंग्लिश की क्लास और टेंस की क्लास, अगर आप मैथ को तेज करना चाहते हैं तो इंग्लिश, और आप देखिएगा प्लेलिस्ट कैलकुलेशन की 75 की, उसके साथ साथ आप टिकी मैथ सोल्यूशन और साइंस ट्रिकी सोल्यूशन, न्यूमेरिकल सोल्यूशन, इसको भी देख लीजिए। ओके चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए क्या करना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलेंगे, गुड लक, और एक बार कर कमेंट जरूर कर देना है, लाइक शेयर कर देना है पूरी प्लेलिस्ट, और मोबाइल वाली जो चैनल है उसको भी जाकर के सब्सक्राइब करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीधा डायरेक्ट क्लिक करिए, वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ पर मैं वीडियो मोबाइल की देता रहूँगा। ओके चलते हैं, गर्मी बहुत है, इसके लिए ज़रूर रिस्पॉन्स दीजिएगा। We'll be right back.